ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों को हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने संख्या ज्ञान चल रहा है, संख्या ज्ञान में अपन ने पढ़ा था अंकों में शब्दों में लिखना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो विस्तार रूप, विस्तारित रूप और स्थानीय मान, इनको आज हम देखेंगे। किसी भी संख्या को हम लिखते हैं, लिखने के बाद प्रत्येक को विस्तार रूप में लिखना है। तो जिस यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे चार, अंक चार, कौन से कितने अंक चार के बाद पहले कितनी जीरो है, कितने अंक है, एक दो तीन, तो तीन जीरो लगा देंगे अर्थात 4000। तो इसको बोलते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, चार, 4000 अर्थात 4000 ही आगे। इसी प्रकार छह को लेंगे, छह को बोलेंगे हम छह सैकड़ा, 600, तो हम 600 लिखेंगे यहां 600। 80, 787, तो 80, तो यहां के बाद लिखेंगे 80। फिर 7 इकाई की संख्या है, केवल 7। इस प्रकार हम इनको विस्तारित रूप में लिखते हैं। कोई भी बड़ी संख्या और भी बड़ी ले सकते हैं, हम जितनी बड़ी संख्या लेंगे, अब ये इकाई ढाई दोनों भाई अपन ने पढ़ा है, सैकड़ा, अकेला, हजार, 10000, तो 4 10000 के स्थान पर है, तो 4 10 के स्थान पर है, तो यानी 40000। छह हजार के स्थान पर है, 6000। 4 सैकड़े के स्थान पर है, प्लस 400। 7 ढाई के स्थान पर है, 7 ढाई 70। 3 इकाई के स्थान पर है, 3 एकम 3। इस प्रकार ये लगते हैं कैसे, विस्तार रूप, विस्तारित रूप और स्थानीय मान। तो इस प्रकार इनको विस्तार रूप में लिखते हैं, तो इस प्रकार हम लिखते हैं। अब इसी का दूसरा विस्तारित रूप, जो अंक जिस स्थान पर है उसका विस्तारित करना। जैसे अब इसको विस्तारित रूप में लिखना है, 4 4 4 किसके स्थान पर है, 1000। 4000 पूरा लिख दो, या 4000 प्लस 7 7 किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, सैकड़ा, प्लस 3 ढाई के स्थान पर है, दहाई, प्लस 4 इकाई के स्थान पर है, तो 4 इकाई। अर्थात इनका मान वही होगा, 4734 7734। तो इस प्रकार कोई भी संख्या हम लेकर इनका वो लिख सकते हैं। प्रत्येक संख्या को वही स्थान है, 6 किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, 8 सैकड़े के स्थान पर, 7 ढाई के स्थान पर, 6 इकाई के स्थान पर। इसी प्रकार बड़ी संख्या भी हम लें तो हम उनको लिखेंगे, 4 10000 के स्थान पर है, 2000 के स्थान पर है, 3 सैकड़े के स्थान पर है, 4 ढाई के स्थान पर, 6 इकाई के स्थान पर। इस प्रकार ये विस्तारित रूप हो गया। अब इसका है स्थानीय मान। स्थानीय मान को हमको प्रत्येक अंक का निकालना है, हम सीधे निकाल देते हैं, जैसे विस्तार रूप की तरह वो नहीं करना चाहिए हमको। स्थानीय मान, स्थानीय यानी स्थान का मान, जो अंक जिस स्थान पर है उसका मान कितना है, बस ये लिखना है।
जैसे ये संख्या है, अब इसका स्थानीय हम मान निकाल देंगे तो अंक चार का यानी स्थानीय मान हमेशा विस्तार रूप, विस्तारित रूप और स्थानीय मान बड़ी संख्या से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या को लिया जाता है, अंक चार, बड़ी संख्या चार है, इधर हजार बड़ी है तो हजार को ले, अंक चार का स्थानीय मान मान बराबर चार गुना किसके स्थान पर है, एक हजार के स्थान पर बैठा, हजार के स्थान पर बैठा है, एक हजार से गुना बराबर 4000। अंक छह का स्थानीय मान बराबर छह भैया बहनों किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, 100 के स्थान पर, 100 के स्थान पर है सैकड़ा यानी 100 तो 100 से गुणा बराबर 600। अंक तीन का स्थानीय मान बराबर 3 भैया बहनों किसके स्थान पर है, इकाई ढाई यानी 10 यानी 3 × 9 = 30। अंक 8 का स्थानीय मान बराबर 8 × 8 किसके स्थान पर है, इकाई के, तो 1 से गुणा कर देंगे 1 × 8 = 8। अब इनको जोड़ेंगे ना, जोड़ने पर भी वही आएगा 8, 3, 6 और 4। इसका मतलब हमारे स्थानीय मान सही है। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान निकालते हैं। एक भैया बहनों ध्यान रखना है, किसी भी अंक पर कोई भी अंक जैसे 0 आ जाए बीच में तो ध्यान करना 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। जैसे यहां 0 का ढाई के स्थान पर है तो 0 का गुणा ढाई से करेंगे तो बराबर 0 ही आएगा। 1 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे कोई बात नहीं है, और 1 लगा देंगे कोई बात नहीं है। लेकिन जो संख्या का गुणा हम 0 से करते हैं, जिससे भी करते हैं 0 से, वह 0 होती है, ध्यान करना है। इस प्रकार हमको स्थानीय मान, विस्तार रूप, विस्तारित रूप, इनको हमको अभ्यास रूप में करना है, ध्यान में रखना है, इनमें भिन्नता कुछ नहीं है, एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए विस्तार रूप क्या है, विस्तारित रूप क्या है, स्थानीय मान क्या है। इस प्रकार हम इनका अभ्यास करेंगे। मैं कुछ गृह कार्य रूप में आपको दूंगा, उस गृह कार्य को हम व्यवस्थित रूप से करेंगे। धन्यवाद।